हेलो फ्रेंड, वेलकम माई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RJ18 अलार्म मिलावर। दोस्तों, आज एक और भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड ग्रुप सी की वैकेंसी निकली थी 96 जो दमन और रत्नगिरी से, आज उसकी जो लिस्ट है रिजल्ट वो जारी कर दी गई है। जो ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली थी, जो ग्रुप सी की वैकेंसी निकल के आई थी दमन एंड रत्नगिरी से, आज उसका फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए विलोम कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन करें। साइड में बेल आइकन दे रखा है, उसे प्रेस जरूर कर दें। दोस्तों, जब भी सबसे फर्स्टली न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल RJ18 आल आर्मी लवर पर आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कोई नोटिफिकेशन हो, चाहे कोई एडमिट कार्ड हो, सबसे फास्टली हमारे YouTube चैनल पर न्यूज़ दी जाती है। कुछ स्टूडेंट के बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर, इसका रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा। इसका आज फाइनली रिज़ल्ट है, वो लिस्ट जारी कर दी गई है। चलो दोस्तों, हम जो मेन पॉइंट रहने वाला है उसकी लिस्ट की ओर लेके चलते हैं। आप अपना नाम खुद चेक कर सकते हैं, आपका आया है या नहीं आया। जो लिस्ट है उसकी ओर लेके चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर सिविलियन वैकेंसी पोस्ट फॉर द वैकेंसी जो 21 में निकली थी वैकेंसी जो रिक्वायरमेंट, और मैं यहाँ पे जो मुंबई कोची की पोस्ट थी स्टोरकीपर की, उसका भी रिजल्ट देख सकते हो आप। जो कैंडिडेट, तीन कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं। जो मुंबई कोची की जो एग्ज़ाम हुआ था फायर इंजन ड्राइवर का, कोची में ड्राइवर का, लश्कर का जो एग्ज़ाम थी वो 22 जनवरी को थी, उसमें भी जो कैंडिडेट हैं वो 6 कैंडिडेट पास किए हुए हैं। OBC के हैं, एक जर्नल का, एक सर्विसमैन है। आप देख सकते हैं सिलेक्टेड फॉर पोस्ट इंजन ड्राइवर के लिए सिलेक्ट किया गया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं जो यहाँ पे कोची में जो पोस्ट निकली थी, जो 24 जून को लश्कर का एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पर जो कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट पास किए गए हैं। OBC से, 1 SC से किया गया है। यहाँ पे रोल नंबर वगैरह देख सकते हैं, आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे दमन एंड रत्नगिरी की MTS की जो पोस्ट थी पियोन की, वो अनस्किल्ड लेबर्स की थी, जो 4 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, कनेक्ट किया गया था एग्ज़ाम। उसमें जो कैंडिडेट हैं वो 4 कैंडिडेट पास किए हैं। रोल नंबर देख सकते हो जो MTS पियोन को OBC का है, 3 जनरल के कैंडिडेट हैं। जो दमन में एग्ज़ाम हुआ था जो कनेक्ट है, जो 6 जुलाई को हुआ था, वहाँ पे देख सकते हो आप जो 5 कैंडिडेट पास किए गए हैं, 3 OBC के हैं, 2 जनरल के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं दमन से हैं। जो सब कैंडिडेट यहाँ पे 5 कैंडिडेट दमन से गया। जो रत्नगिरी से निकली थी वैकेंसी, यहाँ पे जो 7 जुलाई को जो कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कनेक्ट किया गया था, वहाँ पर देख सकते हो आप अच्छी तरह से कि 11-12 लड़कों को यहाँ पे पास किया, जो CMTD के लिए, SC ST के हैं, OBC के, जनरल के, सब कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्ज़ाम ऑफ द पोस्ट ऑफ फायरमैन हेड ICG से दमन एंड रत्नगिरी जो एग्ज़ाम कनेक्ट हुई थी 20, 22, 24, 27 एंड 30 एंड 22, उसका आज फाइनली रिज़ल्ट जारी, फाइनली इसका रिज़ल्ट जारी कर दिया गया। आप अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर सकते हो। ये लिस्ट मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें दे दूंगा। जो आपको नंबर बता रहा हूँ उस पर आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बार बार कॉल या मैसेज करते रहना। 8058109151 ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर रहने वाले हैं। इस पर आप जाके टेलीग्राम पर जाके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस पर कोई पर्सनल मैसेज कर सकते। आपको लिस्ट ये चाहिए तो टेलीग्राम पे हाई का मैसेज कर देना और बता देना, मैं आपको ये लिस्ट सेंड कर दूंगा। आप एक बार फिर से देख सकते हो ये लिस्ट, आप अपना नाम चेक कर सकते हो अच्छी तरह से। यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो रत्नगिरी से, दमन से 5-5 कैंडिडेट पास किए हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर बार बार एथेंटिक न्यूज पाने के लिए आपका दय दिल से धन्यवाद हो। इस तरह से हम आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल बने रहेगा। थैंक यू दोस्तों, बार बार हमारे दय दिल से धन्यवाद देने वाले हैं आपको। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।